मार्केट देख करके मुझे दिल्ली का पालिका बाजार याद आ रहा है। सेम ऐसा ही मार्केट वहाँ पे पालिका बाजार में लगता है। जो दीमापुर नागालैंड है यहाँ पे डॉग का मीट लोग खाते हैं, ऐसा समझ लो। यहाँ पे फैशन जो है वो कोरिया और चाइनीज़ और हांगकांग में जैसे कपड़े पहनते हैं वैसे सारे कपड़े यहाँ अवेलेबल है। पर 3-4 लोग आए और मुझे घेर लिया। बाहर के लोगों के लिए मुझे तो नहीं पता, लेकिन मेरा एक्सपीरियंस यहाँ पे काफ़ी ख़राब रहा है। वेलकम बैक टू द चैनल गाइस, स्वागत करता हूँ फिर से आपका एक नई वीडियो में। मैं इस वक्त आ गया हूँ डिब्रूगढ़ रेलवे स्टेशन पर। मेरी यहाँ से ट्रेन है डायरेक्ट दीमापुर के लिए। दीमापुर नागालैंड में आता है यार, और मैं असम और अरुणाचल कंप्लीट करने के बाद अब नागालैंड जा रहा हूँ। मेरी ट्रेन का जो नाम है वो नागालैंड एक्सप्रेस है, और उसके लिए मैंने पे किया है करीबन 125 रुपये। 2 बजे के आसपास मेरी ट्रेन है और मुझे रात में करीबन 9 बजे वो पहुँचा देगी, और अभी दिन के 1 बज रहे हैं और सामने प्लेटफॉर्म है। मुझे पता नहीं है कौन से प्लेटफॉर्म पे आएगी, अभी मैं कंफर्म करता हूँ किसी से कि कौन से प्लेटफॉर्म पे आएगी। 1 नंबर पे दिखा तो रही थी, पूछता हूँ अभी। तो यार मैंने अभी कंफर्म किया नीचे जो भैया थे उनसे, वो कह रहे हैं कि आपकी ट्रेन लगी हुई है यहाँ नीचे। ये जो ट्रेन देख रहा हो ना, यही है नागालैंड एक्सप्रेस। तो एक छोटा सा किस्सा मैं शेयर करता हूँ। तो मैं जिस फैमिली के साथ वहाँ पे रुका हुआ था ना, वो यार इतने अच्छे लोग थे, मेरी इतने अच्छे से ख्याल रखा उन्होंने। वो थोड़ा सा नॉर्मल मिडिल क्लास से लोअर मिडिल क्लास थे, ज़्यादा रिच नहीं थे। रोज़ का कमाना खाना, जैसे आप समझते हो ना कि रोज़ कमाते हैं रोज़ खाते हैं, उस टाइप की फैमिली थी। लोगों ने बिना कुछ एक्सपेक्टेशन के मेरी इतनी ज़्यादा हेल्प करी, और यार मैं सोच रहा था कि उनको डायरेक्ट कुछ पैसे से हेल्प कर दूं, लेकिन वो मुझे अच्छा नहीं लगा। कि मैं ये सोच रहा था कि उन लोग को अच्छा नहीं लगेगा। फिर मैंने जाते वक्त उनके जो 2 छोटे छोटे बच्चे थे दौरजे और दिशांग, तो मैंने उनको छोटा सा एक अमाउंट दे दिया। आप लोग वीडियोस अगर देख रहे हो मेरी, तो मैं आप लोगों का दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आप लोगों ने बिना कुछ एक्सपेक्टेशन के मेरी इतनी ज़्यादा हेल्प करी। तो यार हमारी जो ट्रेन है वो डिब्रूगढ़ से अब निकल चुकी है। ये देखो, मैं जा कर के आपको हांगकांग मार्केट दिखाता हूँ, जो यहाँ का सबसे फेमस मार्केट है हांगकांग मार्केट। तो मैं अभी इस वक्त फ्लाईओवर पे चल रहा हूँ, फ्लाईओवर क्रॉस करते ही हांगकांग मार्केट स्टार्ट हो जाएगा। काफ़ी सुना है यार हांगकांग मार्केट के बारे में। जो दीमापुर नागालैंड है यहाँ पे डॉग का मीट लोग खाते हैं, जो जो आप सोच सकते हो सब कुछ खाया जाता है, चाहे वो सुगर हो, डॉग हो या मेंढक हो, हर एक चीज़ यहाँ पे बाज़ार में अवेलेबल होती है। ये है हमारा हांगकांग मार्केट, और कपड़े वपड़े की दुकान है और छोटे मोटे जो सामान होते हैं उन सबके दुकान है यहाँ पे। मास्क, कपड़े, टी शर्ट्स। कौन सा मास्क उतार नहीं सकते यार। इधर पूरा कपड़ों का मार्केट है। तो यार यहाँ के मार्केट देख करके मुझे दिल्ली का पालिका बाज़ार याद आ रहा है। सेम ऐसा ही मार्केट वहाँ पे पालिका बाज़ार में लगता है, और चीज़ें सामान वगैरह काफ़ी खूबसूरत खूबसूरत है, मतलब क्वालिटी 1 नंबर है यहाँ पे। और अंदर देख रहे हो, अंदर पूरा मार्केट काफ़ी बड़े एरिया में। उनके दुकान वो लेना तो बहुत कुछ था मुझे, लेकिन यार मेरा बैग काफ़ी वेट हो रहा है तो मैं उसकी वजह से ले नहीं सकता हूँ। काफ़ी ज़्यादा मेरा मूड था ख़रीदने का, और मैं ख़रीदने के मूड से ही आया था, बैग में जगह ना होने के कारण मैं
चीज़ें ले नहीं पा रहा। छाते, छातों का दुकान, छातों का सामान, चप्पल वगैरह। तो यार यहाँ पे घूमने के बाद मुझे ऐसा लगा कि ये पूरा मार्केट जो है वो अपने दिल्ली का पालिका बाजार है, लेकिन यहाँ पे कपड़ों की क्वालिटी जो है ना वो बहुत ही हाई क्वालिटी है। वो सब ऐसा समझ लो यहाँ पे फैशन जो है वो कोरिया और चाइनीज़ और हांगकांग में जैसे कपड़े पहनते हैं वैसे सारे कपड़े यहाँ अवेलेबल है। और देख करके, दुकान वगैरह देख करके मेरा उन कपड़ों पे दिल आ गया, लेकिन बैग में जगह ना होने के कारण मैं ख़रीद नहीं पा रहा हूँ यार उसको। यहाँ पे जो जीन्स वगैरह है, जीन्स आराम से आपको 700 से 800 रुपये में मिल जाएगा, और टी शर्ट्स वही 200-250, 250 से 350 के आसपास में आपको टी शर्ट्स अवेलेबल होंगे। तो सेम वही रेट है जो दिल्ली में है, कोई अलग रेट नहीं है। दुकानदार भी उतना ही कम कर रहे हैं, 150 से ज़्यादा कम नहीं कर रहे हैं, लगभग ज़्यादातर फिक्स ही रेट है। तो कुल मिला जुला के मार्केट सेम दिल्ली का है, लेकिन अब ये यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा फेमस है। मैं आप लोगों को एक छोटा सा इंसिडेंट बताता हूँ। अभी मैं नीचे हांगकांग मार्केट में जब घूम रहा था तो करीब दिन के 11 बज रहे होंगे, और जब मैं हांगकांग मार्केट में घूम रहा था तो वहाँ पर 3-4 लोग आए और मुझे घेर लिया, और उसके बाद मुझसे पूछने लगे भैया आप क्या कर रहे हो। किसी भी तरह वहाँ पे मैं बातचीत करके उस मार्केट से अभी निकला हूँ। मुझसे ऐसी पूछताछ उन्होंने की है मार्केट में रोक करके, करीब 15 या 20 मिनट तक उन्होंने मुझसे पूछा है कि मैं क्या कर रहा हूँ। भाई शुक्र तो ये हुआ कि उस टाइम पे यार मेरा कैमरा बंद था। अगर मेरा कैमरे में कोई भी ऐसी उन्होंने क्लिप देखी होती ना जिसमें उनका चेहरा होता, तो उन्होंने मेरा कैमरा छीन लेना था। फिर वो मेरा कैमरा भी नहीं देते, मेरा मोबाइल फ़ोन वगैरह कुछ भी नहीं देते यार। और बाहर के लोगों के लिए मुझे तो नहीं पता, लेकिन मेरा एक्सपीरियंस यहाँ पे काफ़ी ख़राब रहा है। मुझे जो आपको यार मेन चीज़ दिखानी थी वो थी डॉग की मार्केट, जहाँ पे डॉग का मीट और मेंढक वगैरह का मीट मिलता है। लेकिन अभी मेरी कुछ लोकल लोगों से बात हुई, वो ये बता रहे हैं कि अब वो जगह बैन हो गई है। वो चीज़ दिखा नहीं पाया, और मुझे वो चीज़ देखनी भी थी, उस मार्केट को एक्सप्लोर करना था, लेकिन बैड लक कि मैं यार एक्सप्लोर नहीं कर पाया उसको, सब बैन हो गया है। अभी मैं होटल ढूंढ रहा हूँ, कोई शाकाहारी होटल जो हो वो मिल जाए, क्योंकि मैं यार वहाँ पे नहीं खाना चाहता जहाँ नॉनवेज मिल रहा हो, क्योंकि कुछ भरोसा नहीं है। वहाँ पे कुत्ते का भी मीट मिल सकता है और मेंढक का भी मिल सकता है, तो मैं शाकाहारी होटल ढूंढ रहा हूँ। यहाँ पे शाकाहारी होटल ढूंढना बहुत मुश्किल है यार, बहुत ज़्यादा। आधे घंटे हो गए मुझे पैदल चलते हुए, लेकिन कोई भी शाकाहारी होटल नहीं मिल रहा मुझे। आधे या एक घंटे ढूंढने के बाद मुझे ये एक राजपूताना होटल मिला है जो शाकाहारी है। सिंपल सा दाल फ्राई और रोटियाँ ऑर्डर की, अभी बन रही है, थोड़ा सा टाइम लगेगा। भैया रोटियां पर पीस कितने रुपए? 10 रुपए। और दाल फ्राई 50 रुपए। 60 रुपए। तो यार रोटियां जो है वो पर पीस है 10 रुपए, और दाल फ्राई जो है वो है 60 रुपए, थोड़ा सा कॉस्टली है। दाल फ्राई 30 या 40 रुपए में मिल जाता है नॉर्मली, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा कॉस्टली है यार। मूड ऑफ हो गया यार, जिस काम के लिए मैं आया था, जिस मार्केट को एक्सप्लोर करने के लिए आया था मैं, जो मेन मार्केट था, वो लोकल लोग बता रहे हैं कि वो बैन हो चुका है। मेरा सबसे ज़्यादा मन था उस मार्केट को देखने का, लेकिन अब वो बैन हो चुका है। ये रही हमारी सिंपल सा दाल, फ्राइड दाल, और ये है हमारी रोटियाँ। तो मेरा खाना होना था वो हो चुका है, और होटल जो था वो था न्यू राजपूताना होटल। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं तो आप वीडियोस को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना, और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर देना।